जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको डब्ल्यू बी बाई हमानी शान एल में, यानी कि हमारे शहर के क्विज के मुकाबले में जो कि अपने एडवांस स्टेजेस में दाखिल हो गया है। आज भी हमारे तीनों वही साथी हैं जो अपने अपने राउंड्स के फाते हैं, सही कह रहा हूँ मैं, ताकि ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें और फिर फाइनल हो, जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए डब्ल्यू बी बाई हमानी की जाने से 3 लाख रुपए कैश प्राइज है इंशाल्लाह। डब्ल्यू बी बाई हमानी वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और एक हमने परफ्यूम लॉन्च किया है मासूमाना सवाल सवाल के उनवान से भी, और एक नया परफ्यूम भी लॉन्च किया है यूट्यूबर शावीर जाफरी के कोलैबोरेशन से, जो कि ऑनलाइन भी दस्तियाब है और ऑफ कोर्स आप आउटलेट भी विजिट कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में 45 के करीब आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो आज की 3 टीम्स हैं, पार्टिसिपेंट ए है जनाब आतिफ बुज़दार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से भाई जान? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। वेलकम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बशायर फातिमा है लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अरमगान आसिफ साहब है कराची यूनिवर्सिटी से, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों के इल्म में, आप पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बजर एक दफा चेक कर लीजिए और बजर पे सवाल लूट जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है। तो पहला राउंड में +10 और -10 है, तालियां और ताजियत है, एक दफा तालियां बजा जाके मुकाबले का जरा बाकायदा आगाज कर लें जनाब। राइट, ये तो जरा मुझे बता दीजिए, क्रिकेट की दुनिया है और अगर मैं आपसे पूछूं कि BCCI तो ये क्या है जनाब? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सही है आपका जवाब। ऑलराइट, क्रिकेट की ही एक लीग है, अगर मैं कहूं BPL तो ये कौन सी हुई? सी अगेन, जी सर, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सही है आपका जवाब। ओके, क्रिकेट की ही एक और लीग है और इसका जो वो है ये है BBL। सी अगेन, जी जनाब, बिग बैश लीग। ये है बिग बैश लीग। ऑलराइट, ठीक है। टैक्स के एतबार से बात हो रही है, टैक्स, GST, GST, टी स्टैंड फॉर टैक्स, जनरल सेक्टर, जनरल सेल्स टैक्स। राइट सर, बिल्कुल ठीक। ओके, ऑलराइट, जनरल सेल्स टैक्स, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जनाब जुएब भाई, आप करेंगे सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिखाइए, हजरत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस शहर में? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ठट्टा में या कराची में? किसने बजाया भाई? बी, कराची। जवाब गलत है। अच्छा, मैंने सुना ठट्टा में। अब्दुल्ला शाह असहाबी -10 से आगाज किया आपने अपने सफर का। जनाब कारी मोहसिन साहब, दिल में हो याद तेरी को शैतन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमनाराई हो। इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें तो जनाब, ये कलाम मौलाना हसन रजा खान साहब का है या ये अल्लामा इकबाल का? पहला ऑप्शन हसन रजा खान। जवाब दुरुस्त है। किसने जवाब दिए? ए ना, ठीक ठीक। जनाब महमूद भाई, सबसे औला हमारा नबी। अगला मिसरा, अगला मिसरा, ए, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। गलत है। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। सबसे बाला वाला हमारा नबी, फिर आता है अपने मौला का प्यारा। शायर का नाम सी बी। हाँ भाई कंट्रोल बी, जी जी, आला हजरत। जवाब दुरुस्त। राइट, ठीक है। 0-0 और 40 है सूरत हाल। जनाब वसीम वसी साहब, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। अगला मिसरा, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जवाब दुरुस्त है। राइट, ओके। शायर का नाम सैयद सबीर रहमानी साहब या खालिद महमूद? सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी। जवाब दुरुस्त। ऑलराइट, ओके, सही है। सर ये बताइए कि ब्लैक डेथ, स्याह मौत, ये वबा 14वीं सदी में आई थी, 14वीं सदी में आई थी,
जी बिल्कुल सही आपका जवाब, ऑलराइट ठीक है ओके। ये हलाकतों के एतबार से ये वाली वबा जिसकी अभी हमने बात की है ये ज्यादा बड़ी थी, यही ज्यादा बड़ी थी किससे? कोविड-19 से, आई थिंक सो। कोविड-19 से बड़ी थी और सबसे बड़ी थी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही है ऑलराइट ठीक। इसने जो है वो दुनिया के एक बड़े हिस्से को जकड़ लिया था ना, एक यूरोप की बहुत बड़ी आबादी को इसने लोकमय अजल बना दिया था। अब फिगर्स बहुत वेरी करते हैं तो मैं दो ब्रैकेट्स बना देता हूं। तकरीबन इसमें 1 से 2 करोड़ अफराद जान से गए थे या 7 करोड़ से ज्यादा अफराद? सी 7 करोड़। जी सही है आपका जवाब, जी 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 जी, यानी शहरों में मुर्दे दफनाने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा था, 60% हिस्सा मौत के मुंह में चला गया था। यानी कहते हैं कि अगर ये वबा ना आई होती तो दुनिया का नक्शा आज कुछ और होता और दुनिया की मजमूई आबादी जो है वो इसमें कम हो गई थी। 14वीं सदी में ये वबा आई थी, तो ये बस अल्लाह ताला बताता है कि इंसान जितनी तरक्की कुछ कर ले, लेकिन बस वो कुछ चीज़ें जो इंसान को उसकी हैसियत और औकात याद दिलाते हैं। दोबारा आबादी की उस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए थे कि दोबारा आबादी की सतह, इसलिए कि एकदम से इतनी ज़्यादा जो है वो आबादी कम हो गई थी। अच्छा, ये ब्लैक डेथ के बाद, स्याह मौत के बाद स्पैनिश फ्लू या कोरोना? बी जी सर, स्पैनिश फ्लू। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब, स्पैनिश फ्लू बहुत ज़्यादा खतरनाक वबा थी और ये आई है तकरीबन 1818 में। गलत हो गया जवाब, 1918 से 1920, ये जब पहली जंग अजीम और वो सारा मामला उस वक्त चल रहा था, और इसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं तो ज्यादा स्पेन में आई थी, ऑफ कोर्स ज्यादा हलाकत स्पेन में हुई थी, सही आ गया, ऑलराइट सही है ओके। और कोरोना वायरस किस मुल्क से शुरू हुआ? सी चाइना। चाइना ऑफ कोर्स, ठीक है आपका जवाब। कोरोना वायरस चाइना के किस शहर से? वुहान से। वुहान से, सही आपका जवाब, ऑलराइट। तकरीबन 30 लाख या 70 लाख हलाकतें हुई कोरोना से? 70 लाख, सही है आपका जवाब, 70 लाख हलाकतें हुई कोरोना से। एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर आएगी, जरा देखिए फिर करते हैं सवाल। दिखा सकते हैं जनाब वीडियो एक? ओके हाँ ठीक हो गया। ये जो जी 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 मैडम क्यूरी, जी मैडम क्यूरी, क्या बात है भाई जबरदस्त, मैरी क्यूरी सही मान लेते ठीक, क्या बात है भाई जबरदस्त, क्या बात है। तो ये इस वीडियो में यानी इनकी क्या शनाख्त है, क्या हुआ था? नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था, सही आपका जवाब, ऑलराइट ठीक। 2 बार इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। यस सर, क्या बात है जबरदस्त। हाँ या ना में जवाब देना है, क्या ये पहली खातून थी जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? बी जी, हाँ या नहीं? हाँ, यस yes, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, क्या कहने हैं। अगली वीडियो दिखाइएगा भाई। ओहो हो, सबसे बेजार हो गया हूँ मैं, अच्छा जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, हाँ कोई अखबार हो गया हूँ मैं। अच्छा जी, ये जो शायर है इनका नाम महशर आफरीदी है या महशर लखनवी है? सेकंड वाला, सी सी ने बजाया ना, सी जी सेकंड वाला, महशर आफरीदी या महशर लखनवी? लखनवी, महशर लखनवी, गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए, ये महशर आफरीदी साहब हैं। और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है पीछे, वो जो मुशायरे के नीचे तो लिखा हुआ है, जो असल में उर्दू का लफ्ज है लेकिन रोमन में लिखा हुआ है इंग्लिश में, देख के पढ़ दे यार। अंदाज, अंदाज के आगे क्या लिखा हुआ है? जी अंदाज़े बयां और, अंदाज़े बयां और, सही है ओके ठीक है। अच्छा जी, आप जरा स्क्रीन पे देखें, कुछ लफ्ज गलत मलत हुए, मैं बताएं कौन सा मुल्क, शहर, इलाका, मोहल्ला, गली, क्या है ये? ये क्या है? जकार्ता। जकार्ता सही है ओके, जबरदस्त, 40, 60 और 80, जबरदस्त, मजा आ रहा है भाई। अगली तस्वीर दिखाइएगा, यानी यही, हाँ किसने बजाया? 5 जी सर, 4 जी भाईजान, मराकश, मराकश सही है ओके।
50 60 80 बजर बजाने के 5 सेकंड के अंदर बताना, ठीक है ना, वरना माइनस हो जाएगा। चले भाई, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा इनको। हाँ जी, किसने बजाया? बी ने, सी ने? अच्छा हाँ जी, सऊदी अरब। सऊदी अरब, क्या बात है, जबरदस्त। ओके, एक मुहावरा दिखा दे जरा कि जी भाई किसने बजाया, क्या किसने बजाया, सब कंफ्यूज हुए हैं। बी, अक्सरियत का ख्याल है बी जी। हाँ जी, अच्छा वो कह रही है काश मेरा नाम नहीं लेते। हाँ, 5, अब मैं हिंट भी नहीं दे सकता कोई, 4। काले आंसू रोना, सॉरी, काले आंसू रोना, नहीं गलत हो गया, आंसुओं का तार बांधना। आप इसके आसपास भी कुछ बता देती तो मान लेते, फूट फूट कर रोना, लगातार आंसू बहाना, लेकिन ये तो नहीं है जो आपने बताया। चलो कोई बात नहीं, और एक और मुहावरा दिखाइएगा। तारे तोड़कर, तारे तोड़ के लाना, तारे, आसमान के तारे तोड़ना, ठीक है, सही है, सही, ओके, ठीक है। एक आवाज सुने जरा, आखिरी सवाल, फिर दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। आवाज सुनिएगा, ओके, कौन सी नात पढ़ी जा रही है? फासलों को तसव्वुर है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। फासलों को, फासलों को तकल्लुफ है हमसे। जी शुक्रिया, ठीक है, फासलों को तकल्लुफ हमसे है। किन नात खां की वजह शोहरत है? उम्मे हबीबा। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। आरी वही से कासमी साहब। हाँ, तो ये 60 40 और 100, ये कौन पढ़ रही थी इस वक्त, कुछ अंदाजा हो रहा है? माया खान या रीमा? ऑप्शन बी, ए, ऑप्शन बी सही आ गया। और दिखाइएगा जनाब, ठीक है जवाब, ओके, चले। और इस कलाम के जो शायर हैं वो जनाब इकबाल अजीम साहब है। इकबाल अजीम साहब, यस सर, ठीक है जवाब, ओके, जबरदस्त। टीम ए ने दोबारा एंट्री मार दी है, हम बढ़े हैं दूसरे राउंड की जानेब। 80 40 और 100, ये है अब तक की सूरत हाल। तीनों को दिखाएंगे तस्वीर, क्वार्टर फाइनल जारी है। पहली तीन तस्वीरें बी ब्रावो आपके लिए, दिखाइएगा जनाबे अली। यस, ये कौन है? रुयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन, इन्होंने बयान दिया है कि लग रहा है 29 रोजे हैं भाई, दवा इन्होंने बोला है तो। हाँ, शकील जी, शकील, शकील नहीं, आसिफ दूसरे राउंड में चलेगा, इसमें बजर नहीं बजाना। हाँ, आसिफ भाई के -10 करें इस बात में मेरा ख्याल। हाँ, ताजियत करें आसिफ भाई, ताजियत करें। हाँ ये ठीक है, तो ये गलत हो गया जवाब, नहीं, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद है, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। शतरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, हाँ ठीक है, एक ही बात है बस, सही हो। मुझे समझ नहीं आ रही शतरमुर्ग को लेकर सब इतने हसास क्यों हो गए, सही जवाब दिया आपने फिर भी। अच्छा ठीक है, और आखिरी तस्वीर दिखाइए, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं तो इसकी बात, सिराजुल हक, सिराजुल हक सही जवाब, ऑलराइट ठीक है, सारे मसले छोड़ के शतरमुर्ग के बीच। अच्छा भाई, आपको ए, ए को दिखाएं पहली तस्वीर। हाँ जी जनाब, ये भी रोए थे हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन। मैं इतना ही बता सकता हूँ, उनको भी इतना ही बताया। 5 4 3 2 1, अरे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वैसे भी मशहूर आलम दीन और रोहित लाल कमेटी। अगली तस्वीर दिखाइएगा इनको। कैंगरू, कैंगरू सही है जवाब, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल, बिल्कुल सही है आपका जवाब, ओके। इनकी कुछ अकसाम ऐसी भी हैं जो एक दफा में 6 फिट तवील छलांग मार लेती हैं, उछल सकती हैं, 6 फिट उछल सकती हैं। अच्छा जनाब, और एक छलांग में से ज्यादा का अर्सा कवर कर सकती है। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक साहब अभी हैं, और पहले ये थे कराची। 5 4 3 2 1, जी हैं जनाबे मुनव्वर हसन। सर आपके हैं अगली तीन तस्वीर, यानी कि पार्टिसिपेंट सी दिखाइएगा पहली तस्वीर। हाँ, वो लाल कमेटी, मौलाना पोपल जई, पोपल जई बिल्कुल सही आपका, ये भी चांद देख पहले भी आएगा ठीक। अगली तस्वीर दिखाइएगा। मारखोर, मारखोर, ऑलराइट, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, ऑलराइट।
मारखोर की भी वीडियोस देखे तो अजीब, वो इतनी बड़ी पहाड़ी पे ऐसे खड़ा होता है जैसे आपको लगे अभी गिर जाएगा, और वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखा होता है। और आखिरी कौन है? हाँ भाई, हाफिज नईमुर रहमान साहब। ऑलराइट, ओके। सो आपने दे दिए तीनों के सही जवाब 90-60, 130। वक्त कम, मुकाबला सख्त, क्वार्टर फाइनल जारी है। आपके हैं 60 सेकंड्स और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पहला दूसरा लगेगा नाम बताएगा, ठीक है? खाली एक जुमला भी बोल देंगे तो मैं सही गलत करके आगे बढ़ जाऊंगा। मशवरा ये है कि अगर समझ में ना आए तो पास कह दीजिएगा, मर्जी है, मशवरा है। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं। अब इनमें से बड़ा जजीरा बाली, ग्रीनलैंड, ठीक, कितने शोबों में नोबेल प्राइज, 6 या 106? 106। गलत। पहला नोबेल प्राइज 1901 या 2005? 1901। ठीक। जनरल राहिल शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2013 या 1990? ठीक। 1965 की जंग पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ या मूसा खान? राहिल शरीफ। गलत। पहला आईफोन लॉन्च हुआ 2007 या 1997? गलत। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन या दुबई? लिस्बन। ठीक। वाटर पोलो की टीम में खिलाड़ी 7 या 70? 7। ठीक। रोजनामा डॉन के बानी अहमद अली या कायदे आजम? ठीक। सहरा का जहाज हाथी या ऊंट? ऊंट। ठीक। रूस का दारुल खिलाफत दुबई या मॉस्को? मॉस्को। ठीक। पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता 1971 या 2001? ठीक। बादशाह अकबर के वालिद हुमायूं या बहादुर शाह जफर? ठीक। पहला इस्लामी महीना रबीउल अव्वल या मुहर्रम? मुहर्रम। ठीक। शायर मजदूर जॉन एलिया या एहसान दानिश? एहसान दानिश। ठीक। दरियाए बोलान पंजाब या बलूचिस्तान? पंजाब। गलत। कुरान मजीद का फारसी तर्जुमा मौदूदी साहब या शाह वलीउल्लाह? शाह वलीउल्लाह। ठीक है आपका जवाब, ओके। अच्छा खेला, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था मेरा ख्याल है। देखते हैं सर, ए अगले 60 सेकंड है आपके, और आपके 60 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है। अब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची से, मुल्तान से? मुल्तान। गलत। लाहौर की बादशाही मस्जिद तामीर करवाई बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? गलत। इंटरनेट को किस साल पब्लिक के लिए आम किया गया, 1993 या 2003? 1993। बिल्कुल ठीक। अदाकार नन्ना का असल नाम रफी खावर या अयूब खावर? अयूब खावर। गलत। जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क स्पेन या ब्राजील? ब्राजील। ठीक। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल रहे कब तक, 1948 या 1978? ठीक। सऊदी अरब खवातीन को कार चलाने की इजाजत 1990 या 2018? ठीक। पहला इस्लामी मुल्क जो न्यूक्लियर पावर बना, सऊदी अरब? पाकिस्तान। ठीक। उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जबान 1954 या 94? ठीक। अमान की करेंसी डॉलर या रियाल? रियाल। ठीक। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को उर्दू में बल्दियाती इंतखाबात? बल्दियाती इंतखाबात। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन मकाम इस्लामाबाद या जैकबाबाद? जैकबाबाद। ठीक। जिन्ना बैराज डैम किसके करीब, मंगला या कालाबाग? कालाबाग। ठीक। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पीस पाइपलाइन या नॉन पीस? पीस पाइपलाइन। ठीक। आबादी के लिहाज से बड़ा मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान या इंडोनेशिया? अफगानिस्तान। गलत हो गया आपका जवाब। ओके। अच्छा खेला है अब, लेकिन देखते हैं चले कितने सवाल के आपने सही जवाब देने। पता नहीं। चलो शुरू करते हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त, आपके ख्याल में इन दोनों में आगे कौन है, बी या ए? ए। हाँ ऐसे ही है। हाँ चले, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब हमारे कौमी तराने में तकरीबन कितने अल्फाज, 49 या 89? 49। बिल्कुल ठीक। 2022 में PSL की फातह लाहौर कलंदर या कराची किंग्स? लाहौर कलंदर। बिल्कुल ठीक। दुनिया के किस शहर में ज्यादा आबादी, टोक्यो दुबई? टोक्यो। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर इस्लामाबाद पेरिस? पेरिस। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन चीन या जर्मनी? चीन। ठीक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कायदे आजम या फारिस? कायदे आजम। ठीक। USSR टूटा 1991 या 2001? 1991। ठीक। बुर्ज खलीफा की लंबाई तकरीबन 830 या 1830? 830। बिल्कुल ठीक। ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर हिरन या कैंगरू? कैंगरू। ठीक। नासा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया या वॉशिंगटन? वॉशिंगटन। ठीक। पाकिस्तान से बांग्लादेश तकरीबन कितना दूर, 2200 या 1200? 2200। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कॉलेजों का शहर कराची या लाहौर? लाहौर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के किस शहर का अचार मशहूर, शिकारपुर या फैसलाबाद? शिकारपुर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली या ख्वाजा नाजिमुद्दीन? चौधरी मोहम्मद अली। गलत। पाकिस्तान में सहरा कितने हैं, 5 के 25? 5। ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, वेरी वेरी वेल प्लेड। सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया आखिरी राउंड में, वरना आपने सारे सवाल के जवाब सही दिए। थ्रू आउट आपने बहुत अच्छा खेला, अच्छा क्वार्टर फाइनल हुआ। 190 नंबर्स हैं आपके, 200 नंबर्स हैं आपके, लेकिन एक अच्छी लीड के साथ 270 नंबर्स हैं आपके, यानी कि आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जबरदस्त, वेल प्लेड। डब्ल्यू बी बाई हेमानी शानेल के सेमीफाइनल में होगी आपसी मुलाकात। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।
Thank you.